नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम बात पे के संग। आपको बता दें, अगर आपको अपनी खबरों से इलाकाई और क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहना है, जानकारी लेना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम बात पे के नाम से सब्सक्राइब करें और छोटी बड़ी खबरों को टूटी फूटी आवाज़ में सुनते रहें और खबरों को शेयर करते रहें। आपको बता दें कि ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, एक अंतिम विदाई यात्रा की तस्वीरें हैं जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सोनू पांडे निवासी बसंतापुर थाना रेवसा क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि आकस्मिक इनका गत 17 जनवरी 2021 को आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी आज 18 जनवरी 2021 दिन सोमवार को इनके पैतृक स्थान गांव बसंतापुर में अंतिम विदाई देने के लिए एक जनसैलाब की तस्वीरें देखी जा रही हैं और उमड़ा हुआ है ये साफ जनसैलाब। अंतिम विदाई की यात्रा का ये जनसैलाब साफ एक सोनू पांडे का अचानक हम लोगों के बीच से जाना, एक दिल में लोगों के जगह बनाकर घाव जिंदगी भर के लिए दे जाना एक खटक रहा है और एक उनकी बिहार कुशलता पर एक अच्छा व्यवहार होने का संकेत दे रहा जनसैलाब है, जो कि ये वास्तव में स्पष्ट करता है कि उनकी व्यवहार कुशलता किस प्रकार की थी। लोगों के दिलों में चुभन महसूस हो रही है, आज सभी की आँखें आंसुओं से डबडबाई हुई हैं। अंतिम यात्रा में देने के लिए यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों की होड़ लगी हुई है, घर से गांव से दरवाजे से लेकर और अंतिम विदाई स्थल तक। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस कदर से अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब की उमड़ा हुआ है। वहीं पर तरह तरह के कयास लोगों की जुबानी चर्चा का बस विषय बना। अचानक जाना इस हम लोगों के बीच से सोनू का लोगों को खटक रहा है, काफ़ी परिवार का रो रो का बुरा हाल है। वहीं पर एक स्थानीय गांव की है स्टाफ नर्स पर तरह तरह के लोगों की जुबानी चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं, मौत का कारण बताया जा रहा है सोनू की, जैसा कि लोगों में एक जुबानी चर्चा गांव से लेकर रास्ते तक लोगों में छाया रहा और उनके भाई के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। काफ़ी लोग आहत हैं, परेशान हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जो घाव अपनी व्यवहार कुशलता का दिलों में जगह बनाए हुए थे और जो घाव दे गए हैं सोनू, वो लोगों को जीवन पर्यंत खटकेगा और खड़क रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और ये जनसैलाब अपने आप में बयां करता है उनकी व्यवहार कुशलता पर, एक अच्छा सा प्रतीक साबित होता है कि उनकी व्यवहार कुशलता किस प्रकार की थी, जो जहां से सुना वहां से दौड़ा चला आ रहा है और अंतिम विदाई यात्रा में शामिल होने के लिए आतुर है। एक होड़ सी लगी हुई है गाड़ियों का दरवाजे पर, गाँव में एक काफिला देखा जा रहा है, देखकर लोग दंग रह जा रहे हैं कि वास्तव में यह अचानक आकस्मिक सोनू का हम लोगों के बीच से चले जाना लोगों को काफ़ी एक दर्द दे गया है, जैसा कि लोगों में एक चर्चा का जुबानी बना हुआ है अपने आप में, गांव में लोगों में काफ़ी एक चर्चा का विषय बने हुए। वहीं से एक अंतिम विदाई की यात्रा की तस्वीरें हैं, आप हम लोगों के बीच ये नहीं दिखेंगे क्योंकि अपनी यादें यादगारें छोड़कर चले गए हैं, दिलों में जख्म दे गए सोनू पांडे। इस कदर से शायद इतनी मित्रता और इतनी व्यवहार कुशलता लोगों में जुबानी बनी कि इसी वजह से काफ़ी एक सौम्य व्यवहार कुशलता कायम कर गए और आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। ये वही तस्वीरें हैं अंतिम यात्रा की सोनू पांडे।